नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश की जनता से अपील की है। इसी के साथ बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस महामुकाबले में बीजेपी और एनडीए की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा और विश्वसनीय चेहरा है। उनके अलावा और भी कई बड़े चेहरे हैं जो इस चुनाव का रुख अपनी ओर मोड़ लेने का दमखम रखते हैं, या फिर यूं कहें कि अपने अपने इलाके में ये चेहरे बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि वो इस चुनाव में क्या मायने रखते हैं। नरेंद्र मोदी, सबसे पहले बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो है पीएम मोदी की। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों की राजनीति सिर्फ मोदी से ही शुरू होती है और मोदी पर ही खत्म हो जाती है। आज भाजपा का दूसरा नाम मोदी बन चुका है, तो वहीं विपक्षी दलों के पास मोदी की कोई काट नहीं है। बीजेपी के प्रचार में आर्थिक विकास, देश और विदेश में सशक्त राष्ट्रवाद, हिंदुत्व सबसे अहम मुद्दा है जिसे दुनिया भर में सराहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष इन्हीं मापदंडों पर उनकी आलोचना करता है। अपने प्रशंसकों के लिए आज मोदी सबसे परिवर्तनकारी और प्रभावशाली नेता हैं जो स्थिरता का वादा करते हैं और निभाते हैं, तो वहीं अपने आलोचकों के लिए मोदी ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले नेता हैं, लेकिन देश के लिए वो नंबर वन पसंद बन चुके हैं। दूसरा नाम है राहुल गांधी। इस वक्त पूरे देश की कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर नजर है सबकी। बीजेपी के सबसे बड़े कट्टर विरोधियों में राहुल का नाम सबसे पहले आता है, जो देश ही नहीं दुनिया भर में जाकर मोदी के विरोध में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतने ही नाकाम हो जाते हैं। दरअसल राहुल गांधी की खुद अपनी कुछ चुनौतियां हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग उनसे खफा रहते हैं। इसी वजह से कई राज्यों में कांग्रेस के बीच फूट की खबरें आती रहती हैं और नेतृत्व उसे संभाल नहीं पाता, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। राहुल चाहते हैं पार्टी की कमान तो उनके हाथ में रहे, लेकिन जिम्मेदारियां दूसरे निभाएं। उनकी अपनी पार्टी एक नहीं है, फूट और बगावत चरम पर है और भारत जोड़ो के नारे देते हैं, यात्रा करते हैं। राहुल की स्ट्रैटेजी जनता तो क्या, उनके अपने नेताओं की समझ से भी परे है। देखा जाए तो देश का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस को पसंद करता है, कांग्रेस की सरकार चाहता है, लेकिन मजबूत नेतृत्व और वक्त पर बड़े फैसले ना ले पाना बड़ी वजह है जिसने कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा है। तीसरा नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फ्री वाली राजनीति देश के लोगों पर बड़ा असर डालती है, लेकिन आजकल बीजेपी से उनकी सीधी टक्कर या फिर देश की अदालत और जांच एजेंसियों के साथ उनकी अनबन की वजह से उनकी छवि बेहद खराब हो चुकी है। उनकी ही पार्टी के आधे से ज्यादा नेता दिल्ली के शराब घोटाले में फंस कर जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं, तो वहीं कुछ मामलों में अब केजरीवाल भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में उनके पास दिल्ली की जनता के लिए वक्त ही कहाँ है। दिल्ली के ज्यादातर विकास कार्य अधर में लटके पड़े हैं, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि इस बार के लोकसभा में उनकी पार्टी की सीटें 2019 से बेहतर हो सकती हैं। इसकी वजह पंजाब में बनी उनकी सरकार को बताया जा रहा है, जिसने उनकी पार्टी को मजबूती दी है। साथ ही कांग्रेस में लोगों का अविश्वास बढ़ना और जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते उनके पास इस चुनाव में केजरीवाल की पार्टी सबसे बड़ा विकल्प बन सकती है। अगला नाम है अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का। बात करें यूपी और बिहार की तो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स और यादव होने का प्लस पॉइंट अखिलेश और तेजस्वी को सीधा मिल सकता है। दोनों युवा नेता हैं, दोनों मुस्लिम और यादव वोटर्स के बड़े पक्षधर हैं। लोकसभा में इन राज्यों के महत्व को देखते हुए ये फैक्टर यादव बंधुओं को एनडीए का बड़ा कॉम्पिटिटर बनाता है। यूपी में कांग्रेस सपा गठबंधन के पास योगी की कोई काट नहीं है, तो वहीं बिहार में जेडीयू के एनडीए में जाने से लालू की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यूपी में मोदी को राम मंदिर का फायदा मिलेगा तो गठबंधन को इससे नुकसान होगा, लेकिन बिहार में मुस्लिम यादव वोट बैंक का बड़ा फायदा आरजेडी को मिल सकता है। अब अगला नाम है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के हालात किसी से छिपे नहीं है, दीदी के राज में गुंडा राज चरम पर है। बीजेपी यहाँ लंबे समय से खुद को गरीब और मजलूमों का मसीहा बता रही है।
इसका फायदा उसे 2019 में मिला था जब ममता के गढ़ में सेंध लगाते हुए बीजेपी ने बंगाल में 18 लोकसभा सीटें छीन ली थी। लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ ममता ने अपना बदला पूरा कर लिया। बंगाल की राजनीति हमेशा से उग्र और हिंसक रही है। आगामी चुनाव में बीजेपी को उम्मीद है कि संदेश खाली में टीएमसी की बिगड़ी छवि और पीएम मोदी की अपील से फायदा होगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि बंगाल के मुसलमान यानी कुल मतदाताओं का एक तिहाई किसका साथ देता है। सवाल ये भी है कि क्या लोकसभा चुनाव में दीदी का भी मोदी जैसा ही दबदबा रहेगा। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार की। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों सबसे ज्यादा पेचीदा हो गई है। जोड़ तोड़ की राजनीति ने वोटर्स को कंफ्यूज कर दिया है। कांग्रेस के साथ मिलकर क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी का विजयरथ रोकना चाहती हैं। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को शिव सैनिकों की सहानुभूति पर भरोसा है, जो अब भी बड़े ठाकरे की कसम खाते हैं। लेकिन उन पर हिंदुत्व के साथ विश्वासघात का आरोप लगाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। मराठा वोटर्स के लिए शिवसेना और एनसीपी का टूटना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में जितनी जरूरत इन दोनों पार्टियों को कांग्रेस की है, उतनी ही जरूरत कांग्रेस को भी इनकी है, जिसके दम पर महाराष्ट्र में ये गठबंधन मराठा और मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में ला सकता है। अगला नाम है नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साल 2000 से मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। वो अभी भी राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन अब बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन की खबरों ने वहां की सियासत को गर्मा दिया है। अगर ये सफल होता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ओडिशा के एनडीए के पाले में जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो ओडिशा में बीजेपी वर्सेस बीजेडी होगा और पता चल जाएगा कि ओडिशा के लोगों की पसंदीदा पार्टी कौन सी है। ओडिशा की टेंशन ये नहीं है कि चुनाव में क्या होगा, बल्कि ये है कि उनके बाद कौन होगा। क्या सहयोगी वीके पांडियन के राजनीति में आने से उनकी समस्या हल होगी, या फिर बीजू बाबा का बेटा कोई नया खेल कर दे, क्योंकि वो इसमें बहुत माहिर है। अब बात करें तमिलनाडु की, तो एमके स्टालिन मोदी की तरह ही इस चुनाव में भाग लेने वाले सबसे आत्मविश्वासी नेताओं में से एक हैं। तमिल में उनके विपक्षी दल अन्ना द्रमुक बुरी हालत में है। सूत्रों की माने तो अन्ना द्रमुक के महासचिव ईपीएस अगले विधानसभा चुनाव पर ध्यान लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी भी राज्य में कड़ी मेहनत कर रही है। मोदी और शाह दोनों तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। द्रमुक यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के सुप्रीमो भी सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो कांग्रेस के प्रति उदार थे और ज्यादातर कार्ड्स उनके पास होने पर भी सीट बंटवारे में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वो नेशनल लेवल पर भी एक प्रमुख भाजपा विरोधी नेता होंगे। अगला नाम है जगन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाने वाले नेता जगन मोहन रेड्डी पर भी इस वक्त सबकी नजर रहेगी। वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके सामने कई चुनौतियां रहेंगी। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन में 2019 के चुनावी अपमान का बदला लेने के लिए जगन मोहन रेड्डी को सत्ता विरोधी लहर और टीडीपी का सामना करना पड़ रहा है, और फिर अब तो बीजेपी भी मैदान में है जो रेड्डी का खेल बिगाड़ सकती है। तो अब आपकी बारी है, आप बताइए आपको क्या लगता है इन तमाम लोगों में इस बार किसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं? हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।